हाय फ्रेंड्स, ब्लॉग डीके में स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी फ्रेंड दीक्षा। तो कल मैंने आपको कानेरी कैब की एक झलक दिखलाई थी, आगे आज हम देखेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे भाई साहब हैं और खूब आनंद ले रहे हैं सभी लोग यहाँ पे। तो आगे का मैं आपको दिखाऊंगी, और भी ऊँचे पहाड़ है, मतलब पहाड़ काफ़ी ऊँचा था, तो अभी आपको दिखाएँगे। और एक बात और आपको बता दें, ये देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है, और आप देख पा रहे हैं ये मैं चढ़ रही हूँ धीरे धीरे। तो एक बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि किस तरह हमारी मम्मी उतने ही ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गई जितने ऊंचाई पे हम लोग चढ़े हुए थे। तो ये अपने आप में एक ताजुब की बात है। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, और मैं बताऊँगी भी आपको क्या सीख मिल रही है। तो ये आप देख रहे हैं। तो और ताजुब की बात यह है कि मैं तो सूट पहन के चढ़ रही थी, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, पर मम्मी साड़ी पहन के चढ़ गई, तो सोचिए उनको कितनी प्रॉब्लम होगी। और ऊपर से बारिश का मौसम था, तो साड़ी पहन के चलना अपने आप में ही एक पहाड़ चढ़ना और बारिश के मौसम में एक महान काम हो जाता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी और उनकी बात भी आपको सुनाऊंगी, और वो कैसा फ़ील कर रही हैं, कैसा अनुभव कर रही हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो अभी आप देख पाएंगे, और ये देखिए गाइस, ये देख रहे हैं, ये हमारी मम्मी है, और ये आप देख रहे हैं कितना ऊंचा पहाड़ है, आप देख पा रहे हैं, और ये इस पे चढ़ के आई हैं, ये देखिए। और वो भी सबसे बड़ी बात ये है कि ये साड़ी में आई है चढ़ के, आप देख पा रहे हैं, साड़ी में आना, पहाड़ चढ़ना काफी मुश्किल होता है। तो ये हमारी मम्मी है, आप देख रहे हैं, और ये साड़ी में चढ़ के आई है, इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ना आसान काम नहीं होता है। और मैं तो सूट पे थी, तब भी मुझे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने साड़ी में और बिना किसी की सहायता के चढ़ गई, मतलब बहुत ही बहादुरी का काम है। तो मम्मी आप कैसा फील कर रही हैं, आप जरा बताएंगी। इधर देखिए मम्मी जी, आप इधर देखिए, मतलब आप, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, परेशानी नहीं हुई आपको चढ़ने में इतना ऊंचा? कुछ नहीं परेशानी, परेशानी नहीं हुई। साड़ी में आपको कोई दिक्कत हुई? कुछ नहीं दिक्कत। तो आप कहना चाहती है कि साड़ी को मतलब पहनना चाहिए, ये नहीं कि जींस पहन के ही घूमे? नहीं नहीं, साड़ी भी पहन, साड़ी पहन के भी मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं, मतलब है ना? हाँ कर सकते हैं, सही बात है। तो आप जानते हैं भारतीय कल्चर जो हमारी, तो अभी आप और ऊपर चढ़ सकती हैं? और ऊपर चढ़ सकती हैं। और ऊपर आप चढ़ सकती हैं ना? हाँ, और ऊपर चढ़। बोलिए, बोलते बोलते रहिए, आप ऊपर चढ़ सकती हैं? चढ़ सकती हूँ। हाँ, तो ये मम्मी है, देखिए काफी साहस की बात है, और गर्व हो रहा है हमें अपनी मम्मी जी पे। तो इसके लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं मम्मी जी के लिए, है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, आपने सुना मम्मी जी ने क्या कहा, और कितनी साहस के साथ वो पहाड़ चढ़ के आई हैं, और आगे और ऊंचाई पे भी चढ़ने के लिए वो तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें अगर हम कोई भी काम पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करते हैं, तो फिर हम उसमें ज़रूर सफल होते हैं, ज़रूर सक्सेस होते हैं। तो हमें अपने काम करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करते रहना चाहिए, ये नहीं बीच बीच में अगर आप छोड़ते रहेंगे तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे ही सही, पर करते रहिए अपना काम, एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप इंजॉय करिए, और ये देखिए ये नज़ारा है, और मैं तो ये कहती हूँ अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए और इंजॉय ज़रूर करिए। आप देख रहे हैं कितने सारे लोग यहाँ आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और कितना चल सकती है? अभी और बहुत चलता। कितना? जितना चलाना चाहो उतना। जितना चलाओ। तो आपको थकान नहीं महसूस होती? नहीं। तो बैठी क्यों? बैठी हो, कुछ देर बैठी रहूंगी फिर चलूंगी। चलो ठीक है, चलते रहो। तो मतलब इंसान को चलते रहना चाहिए? हाँ, चलते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कोई काम से हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने सुना, किसी भी काम से हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए और इंजॉय करते रहिए आप हमारे साथ। ये देखिए, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, और इसके आगे का भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारी सिस्टर हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ खाने पीने के सामान भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, और फिर मैं कल एक नया वीडियो डालूँगी इसके आगे का। तो अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे उम्मीद है आप ज़रूर करेंगे। बाय बाय।